डुअल मार्कर टेस्ट क्या होता है? हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रिदम गुप्ता, आई एम प्रैक्टिसिंग एट एक्सेल हॉस्पिटल शालीमार बाग दिल्ली। तो आज हम आपसे बात करेंगे डुअल मार्कर टेस्ट के बारे में। ये एक ब्लड टेस्ट है जो एक प्रेग्नेंट वुमेन का करवाया जाता है 12 हफ्ते से 14 हफ्ते के बीच में, और ये ट्रस्ट मी 100% वुमेन का किया जाना चाहिए बिकॉज ये बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देता है। डुअल मार्कर टेस्ट में दो केमिकल्स टेस्ट होते हैं, बीटा एचसीजी और पैपेन। ये एचसीजी और पैपेन की वैल्यू एक सॉफ्टवेयर द्वारा हमें ये बताती है कि बच्चे में जेनेटिक सिंड्रोम होने का क्या रिस्क है। तीन जेनेटिक सिंड्रोम इसमें रूल आउट हो सकते हैं, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम एंड पटाउ सिंड्रोम। ये तीनों ही सिंड्रोम्स बच्चे में मानसिक और शारीरिक विकार का कारण बनते हैं, और यदि हम जल्दी ये पता कर पाए, यानी कि तीसरे महीने में ही अगर हम जान पाते हैं कि जो घर महिला ने धारण किया है उसके अंदर कोई जेनेटिक दिक्कत है, तो उसको हम पहले से ही चूज कर सकते हैं और प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा सकते हैं। ये टेस्ट आइसोलेशन में नहीं होता, इसके साथ एक अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है जिसे एनटीएनबी अल्ट्रासाउंड कहते हैं। सो इन दोनों के लेखे जोखे से हमें टू ट्यून ऑफ अराउंड 90-95% ये पता चल पाता है कि प्रेगनेंसी जो है वो कितनी हेल्दी है, कितने उसमें जेनेटिक सिंड्रोम होने की संभावना है। डुअल मार्कर की रिपोर्ट लो रिस्क या हाई रिस्क या इंटरमीडिएट रिस्क की फॉर्म में आती है। यदि ये लो रिस्क है तो आप निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल सही रिपोर्ट है। यदि इंटरमीडिएट रिस्क है या हाई रिस्क है तो आप गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर मिले और आगे के स्टेप्स के बारे में जाने जिससे हम श्योरिटी से पता कर सकें। बट आपको ये बात समझ लीजिए, अगर इसमें इंटरमीडिएट रिस्क या हाई रिस्क का है तो वो सिर्फ एक रिस्क है, वो कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। सो डुअल मार्कर एनटीएनबी अल्ट्रासाउंड सिर्फ स्क्रीनिंग में हेल्प करे, कंफर्मेटरी टेस्ट इसके बाद कराया जाता है जो ये अच्छे से बताता है कि एक्चुअली कोई जेनेटिक सिंड्रोम है या नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं, ट्राइसोमी 21 जो डाउन सिंड्रोम होता है उसका हाई रिस्क माना जाता है 1:250 से कम। रिपोर्ट ऐसा होगा हाई रिस्क है तो मान लीजिए 1:230 का रिस्क है, इसका मतलब 230 ऐसी गर्भवती महिलाएं जिसमें से एक कोई चांस हो सकता है। तो यदि आपकी रिपोर्ट कुछ ऐसी आई है तो बहुत घबराए नहीं, फिर भी 229 पॉसिबिलिटी है कि नॉर्मल रहेगा। बट वो एक महिला कौन है जिसके अंदर ये टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है, वो हमें कंफर्मेटरी टेस्ट से पता चलेगा। सो कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट फर्स्ट, ये वाला ब्लड टेस्ट आपका जरूर हो, ये अल्ट्रासाउंड आपका जरूर हो, और इसमें जो रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से आपका डिसीजन लिया जाए।